हरदा में कल हुए हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। 24 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 से अधिक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी लगे हुए थे। जिस जगह घटना हुई वहां पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और लोगों की खोज की जा रही थी। हरदा में भी इस घटना में आसपास के मकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई मकान पूरी तरह से जल चुके हैं तो वहीं कई मकानों में दरारें देखी जा सकती हैं। हरदा में मंगलवार सुबह 11 बजे फटाका फैक्ट्री में यह पूरा हादसा हुआ था। इस हादसे में अभी तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। वहीं लगभग 100 से अधिक लोग इस पूरे घटना में घायल बताए जा रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए लगभग 21 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 150 से अधिक एम्बुलेंस हरदा में बुलवाई गई थी। आसपास के जिलों से बुलवाई गई इन एम्बुलेंस के जरिए 21 मरीजों को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम भी शिफ्ट किया गया था। 24 घंटे तक चले इस रेस्क्यू अभियान के बाद अब इस अभियान को रोक दिया गया है और यहां पर अब जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के द्वारा इस फैक्ट्री की पूरी जांच भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर 2 मंजिला फैक्ट्री थी और धमाका होने के बाद यह फैक्ट्री पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। मलबा प्रशासन के द्वारा हटाया गया है और यहाँ पर लोगों की खोजबीन भी की गई है। 11 से अधिक पोकलेन मशीनें इस पूरे अभियान में लगाई गई थी, जिसमें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी साथ दे रही थी। रात में भी यहां पर यह रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। इस रेस्क्यू अभियान को खुद अधिकारी मौके पर पहुंचकर मॉनिटर कर रहे थे।